उधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना की जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि पिछले साल भी ऐसी गड़बड़ियां हुई थी जिसमें न सिर्फ जांच कराने के मामले में धांधली हुई बल्कि मौत का आंकड़ों को भी छिपाया गया। ऐसी ही कार्रवाई एक बार फिर से इस साल हुई है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए प्रदेश राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को सही रास्ता दिखा रहे हैं लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव दिल्ली में ऐशो आराम से रह रहे हैं और ट्वीटबाजी के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में फिर एक बार कोरोना जांच के फर्जीवाड़े खुल करके सामने आए, जो रपटे आई है दिल दहला देने वाला है। 90,000 मुजफ्फरपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं, 30,000 भागलपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं। जिन लोगों ने जांच आए बगैर अपनी जाने गवाई है, यह आपराधिक मामला है नीतीश जी, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है आपकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार आपको आगाह करते रहे, आपको मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन आप ऐसे जीव हैं कि मानते नहीं। तेजस्वी यादव जी की ट्विटर बाजी के कारण उनको अब लोग सीरियसली लेना भी छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में ऐशो आराम फरमा रहे हैं और ट्वीट करके कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं, करते दिखाना चाहते हैं जिससे वे सुर्खियां बटोर सके। बिहार सरकार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के, जांच को लेकर के पूरी तरह से संकल्पित। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हो रही कमी के बाद अब कोरोना मरीजों और मृतकों के आंकड़ों के साथ साथ बाजीगरी होने के आरोपों के बीच जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार में कोरोना से मरने वालों की वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़ों से बेहद ज्यादा है।